नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो चार का चक्रव्यूह में। चार का चक्रव्यूह में आज बात होगी उन चार खबरों की जिससे सीधा आपका होता है सरोकार। चार तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर, देश के अलग अलग राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। पूरी खबर विस्तार से आगे बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, देश में आफत बनकर आई बारिश से जुड़ी हुई है। कहीं बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है तो बारिश और बाढ़ से लोगों का जीना बेहाल भी होता जा रहा है। वहीं तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां गरीबी किस कहर हावी होती जा रही है उसका जीता जागता उदाहरण देखने के लिए मिला है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको। वहीं चौथी बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पाक की एक और नापाक करतूत सामने आई है। तो चलिए सभी खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। हालांकि कई राज्यों में बारिश आई लेकिन अपने साथ आफत लेकर आई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में आकाशीय बिजली की वजह से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बारिश के बीच बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश में 40 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड में भी आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की मौत की खबरें सामने आई है। उत्तर प्रदेश में मानसून और बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने 40 लोगों की जान ले ली है। कानपुर और इसके आसपास के जिलों में 18, प्रयागराज में 13, कौशाम्बी में 3, प्रतापगढ़ में 1, आगरा में 3, वाराणसी और रायबरेली में अब तक एक एक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस वजह से कई लोग घायल भी हुए हैं जिनका इलाज अब चल रहा है। बता दें कि आकाशीय बिजली न केवल इंसानों बल्कि जानवरों पर भी कहर बनकर टूटी है। यूपी में 44 बकरियों समेत एक गाय की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं पर शोक व्यक्त किया है और दिवंगतों के परिजनों को नियम अनुसार राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं झारखंड में भी आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने के कारण अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शिवपुर, अनूपपुर, बैतूल, ग्वालियर इत्यादि जिलों में भी मौत दर्ज की गई है। वहीं जयपुर के पास आमेर पैलेस में बिजली गिरने से 6 लोगों की जान गई है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये घटना उस समय हुई जब राजस्थान की राजधानी में बारिश के बीच लोग वॉच टावर पर चढ़कर सेल्फी ले रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बिजली गिरी उस वक्त दर्जनों लोग वॉच टावर पर मौजूद थे। बिजली गिरने के बाद उनमें से कई लोग दहशत के वजह से पास की पहाड़ी के जंगलों में कूद गए। बाद में पुलिस और नागरिक सुरक्षा कर्मियों ने 29 लोगों को बचा लिया। क्या नाम है तुम्हारा? सुखराम। अच्छा, ये क्या हुआ यार तुम्हारे साथ, क्या घटना घटी है? पेड़ के नीचे ठाड़ थी, नहीं बिजली गिर गई। फिर क्या हुआ, कैसे अचानक कैसे गिर गई, क्या हुआ एकदम से? क्या क्या कर रहे थे वहाँ पे? ठाड़ थे नहीं, पानी हो तो हम देखो ये तरह बच जान। चाचा हमारे रहते हम भी तो ठीक पर खत्म हो गए, हम एक लंग गिरेंगे। अच्छा, किस गांव का मामला है? असेवा में। अच्छा, प्रशासन के तरफ से कोई आया? अस्पताल में इलाज मिल रहा है? देश में इस वक्त मौसम के अलग अलग रूप देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तरफ नई दिल्ली और एनसीआर के लोगों को बारिश का इंतजार है तो वहीं देश के कई हिस्सों में आसमान से आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से लेकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला तक पानी का रेला शहर को डुबा रहा है। जहां एक तरफ लोग आकाशीय बिजली गिरने का कहर झेल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में आफत की बारिश अपना कहर बरपा रही है। दरअसल उत्तराखंड में मानसून के फिर सक्रिय होते ही पर्वतीय जिलों के लोगों की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। कुमाऊं भर में बारिश का दौर जारी है। वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के सुमागढ़ गांव में मूसलाधार बारिश से पहाड़ी गिर गई। भूस्खलन से एक मकान मलबे में दब गया है। मकान में रहने वाले 3 लोगों की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की जान बचा ली गई। वहीं रविवार की सुबह जिले में कई जगह मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि
भीख हुई। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान कपकोट ब्लॉक में हुआ है। बता दें कपकोट ब्लॉक के सुमगढ़ गांव के इटावंत चौक में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश अपना तांडव मचा रही है। मुजफ्फरनगर में बारिश से हालात ऐसे हो गए हैं कि शमशान घाट में पानी भर जाने की वजह से अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश के बाद अचानक भयंकर बाढ़ आ गई है। इससे कई जगह मकान बह गए, कई जगह अचानक आई बाढ़ में गाड़ियां भी बह गई। धर्मशाला में रविवार देर रात से भारी बारिश हो रही है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से तबाही मच गई है। यहां कई घरों को नुकसान पहुंचा है और चारों तरफ मलबा फैला हुआ है। बादल फट जाने की वजह से नदियां उफान पर हैं और बारिश का कहर भी जारी है। बादल फटने की वजह से यहां कई घरों को नुकसान हुआ है, जबकि कुछ गांवों के लोगों को अपने घरों को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। भाई साहब देखिए, मनीष गुनियाल जी पहले हमारे यहां आए थे, उस समय रोड पूरी क्षतिग्रस्त हुई हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस रोड को जेसीबी लाएंगे, पूरा सही करेंगे। तो उन्होंने एक हफ्ते या 10 दिन बाद जेसीबी भेजी थी यहाँ पे, तो अभी आज हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है रोड। तो मतलब इनका बहुत अच्छा सहयोग है और हम इनसे नहीं जी बिल्कुल, ये ऊपर तक होता था लेकिन अभी ये कि थोड़ा आगे तक आती है और आगे ये उम्मीद रखेंगे हम कि जो नीचे अभी थोड़ा बहुत जो भी है वो भी हमने अभी सही कराना है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए पहले चलने के लिए रास्ता नहीं था। सर रोड तो ऐसा है, बनी हुई तो थी लेकिन उसके बाद जो इन्होंने उसको खोलने के लिए, मतलब एक तो ऐसा होता है कि बंद करके वो पेंडिंग पड़ गई और दूसरी बात वो ब्लॉक हो गई और उसके बाद उसे खोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम गुनियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस सड़क को खोलने के लिए हमारी पूरी मदद करी और हमारे बच्चों को आगे के लिए प्रोत्साहन दिया, मतलब और इनको प्रोत्साहित भी किया कि आगे आना है और आपको बढ़ना है जिससे यहाँ का गांव का पलायन रुक सके। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 12 जुलाई है तो पिछले जो 24 घंटे उसमें हमको प्रदेश में अच्छी बारिश मिली है और इसी तरह 10 तारीख में बहुत अच्छी बारिश मिली थी। तो इसकी वजह से जो देखें कि हैवी रेन्स ये 2 दिन पीछे जो है 10 और 11 में बहुत अच्छी मिली है और उससे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लैंडस्लाइड है या फिर जो नदियों में पानी है वो बढ़ा है। भारत में महिलाओं का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। महिला त्याग समर्पण के लिए जानी जाती हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब गरीबी के चलते महिलाओं को बैल के स्थान पर हल और बखर के आगे जुतना पड़ता है। मध्य प्रदेश से सामने आई ऐसी ही एक तस्वीर ये सवाल करती है कि आखिर महिलाओं की ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। दरअसल मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बैलों की जगह महिलाओं ने ले ली है, उन्हें खेत की जुताई के लिए हल में बैल की जगह रहना पड़ रहा है। मोदी सरकार ने एक तरफ अपने मंत्रिमंडल में एक दो नहीं बल्कि 11 महिलाओं को मंत्री बनाया है तो दूसरी तरफ खेतों में महिलाएं बैलों की जगह अपने हाथों में कृषि उपकरण लेकर बुआई छटाई का काम करने के लिए मजबूर है। बहुत गरीब होने की वजह से आगर मालवा के इस परिवार के पास इतने पैसे नहीं है कि बैल खरीद सके, ऐसे में महिलाओं को खुद ही बैल की जगह लेनी पड़ी। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ये महिलाएं खेतों में हल बखर और कल्पे चलाने के लिए मजबूर हैं। ये महिलाएं अपनी 3 बीघा जमीन में अंकुरित हुई सोयाबीन की फसल में उगने वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए कल्पा चला रही हैं। इतना ही नहीं, इनके 2 बच्चे हैं जिनके खातों में किताबें होनी चाहिए थी लेकिन हालात ऐसे हुए हैं कि मजबूर ये बच्चे भी अपनी माँ का हाथ बटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। महिलाओं की माने तो उनके यहाँ ना तो बैल हैं और ना ही इतने पैसे कि बैल खरीद सकें। ऊपर से ये भी चिंता है कि जो फसल बोई हुई है कहीं वो भी नष्ट ना हो जाए। बैल की जगह महिलाओं के काम करने की ये तस्वीर जितनी भयावह है उतनी ही सरकारी सिस्टम के लिए चुनौती भी है। बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार और उनकी योजनाएं कैसे सरकारी ऑफिसों की फाइलों में रह जाती हैं और कैसे गरीब महिलाएं हालात से मजबूर होकर बैल की जगह ले लेती हैं, ये तस्वीरें इसका जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान खान की सरकार की अल्पसंख्यकों के अधिकारियों की रक्षा करने की पोल खुल गई है। दरअसल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के माल्टी क्षेत्र में कम से कम 60 हिंदुओं का जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया गया है।
हिंदुओं की नगर पालिका अध्यक्ष की उपस्थिति में कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है और देश की 22 करोड़ की आबादी में इनकी संख्या 45 लाख है। हिंदुओं की पाकिस्तान की कुल आबादी में 2% की हिस्सेदारी है। अधिकतर हिंदू सिंध प्रांत में रहते हैं, जहां हाल ही के समय में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल रफू निजामनी ने कथित तौर पर सामूहिक धर्मांतरण प्रक्रिया में मदद की है। एक फेसबुक पोस्ट में निजामनी ने कहा कि आज मेरी निगरानी में 60 लोग मुस्लिम हो गए, इनके लिए दुआ करें। निजामनी की फेसबुक पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि इस्लामिक मौलवी हिंदुओं के समूह को कलमा पढ़वा रहा है, साथ ही उनका धर्मांतरण सुनिश्चित कर रहा है। एक दूसरे वीडियो में मौलवी ये दावा करते हुए दिखाई दे रहा है कि ये उनकी पहली नमाज का पाठ था। मौलवी ने धर्मांतरित हुए लोगों से कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अल्लाह को खुश करना है, तभी उसके जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। जिन्हें अल्लाह ने मंजूरी दी है, केवल उन लोगों का जीवन ही आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में धर्मांतरण का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसे लेकर पाकिस्तान की आलोचना भी हो चुकी है। चार का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे चार बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।